नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज जन शिकायत निवारण समिति झाझा के पदेन अध्यक्ष थाना अध्यक्ष श्रीकांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी रामाशीष तिवारी, तमाम और जो तमाम जो समाज के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी, आज फैसला हुआ है कि झाझा कर्पूरी चौक पर सोमवार से ही, यानी कल से ही, लेकिन मंडे से नो एंट्री लग जाएगा किसी भी बड़ी गाड़ियों का, मालवाहक गाड़ियों का। सुबह 10 बजे से संध्या 6 बजे तक प्रवेश पूरी तरह निषेध रहेगा। अतिक्रमणकारियों पर जब चर्चा हुई तो अतिक्रमणकारी जो भी रोड पर बैठ के अपना दुकान चला रहे, जो परमानेंट बना लिए हैं, उस पर सरकार 20,000 का जुर्माना करने जा रही है। जो अस्थायी है उसके ऊपर भी जुर्माना किया जाएगा। लगातार बताते चले, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए झाझा में प्रशासन हर तरह से कमर कस चुका, लेकिन बार बार लोग सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। उन लोगों को साफ प्रशासन ने कहा है कि जो पक्का निर्माण कर लिए हैं उन पर जुर्माना तो होगा ही, साथ साथ जो GST भी, अगर उसके मकान को, दुकान को तोड़ता है तो उसका भी किराया उससे वसूल किया जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ बबलू केसरी जुड़े हैं जो जन शिकायत निवारण समिति में है। सर, क्या क्या हुआ आज? जी, आज बहुत अहम बैठक रही, सारे सदस्य उपस्थित रहे, साथ में पदेन अध्यक्ष भी बहुत एक्टिव के रूप में उपस्थित रहे, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और आज बहुत अहम बैठक में बहुत अहम निर्णय भी लिया गया। सबसे पहले तो झाझा में जो जाम की स्थिति बनती थी बड़े वाहनों के लिए, बड़े वाहनों का जो है रोक लगा दी गई है कर्पूरी चौक से। अब कल से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बड़े गाड़ियों का आवागमन झाझा शहर में प्रवेश बंद हो गया है। अगर यदि इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो नगर पंचायत की तरफ से बड़े गाड़ियों के लिए 5,000 और छोटे गाड़ियों का मतलब है कि जो 4 चक्का से ऊपर है उसको 2,500 रुपया जुर्माना बतौर वसूला जाएगा। और झाझा में जो अतिक्रमण का जो दौर चला हुआ है, उस अतिक्रमण में वैसे गिट्टी, बालू और सीमेंट जो रोड पर रख देते हैं, वैसे मालिकों पर भी जो है प्रशासन का डंडा चलेगा और उन्हें भी जुर्माना का हकदार बनाया जाएगा। इसलिए वैसे लोग जो रोड को अपना मालिकाना हक समझ के गिट्टी, ईटा, बालू रख देते हैं, वो सतर्क हो जाए, उन पर भी जुर्माना वसूलने का प्रावधान रख दिया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। सर, महत्वपूर्ण बातें की गई थी, सर क्या इसका निष्कर्ष निकला गया है? सर, जन शिकायत निवारण समिति झाझा की ओर से आज टाउन हॉल में एक अहम बैठक की गई। बैठक में बहुत सारे झाझा टाउन के समस्याओं के संबंध में बात विचार हुआ और इसका निदान करने का उपाय ढूंढा गया। उपाय में सबसे बड़ा समस्या इंक्रोचमेंट का है। इंक्रोचमेंट होने से रोड जाम लग जाता है और जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को जल्दी में जाना हो या किसी रोगी को हॉस्पिटल पहुंचाना है या हम लोग पुलिस वाले को भी किसी कार्य के लिए जल्दी पहुंचना है तो जाम की वजह से सही टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निदान के लिए पूरे झाझा कमेटी के चेयर और कॉमर्स को के लोग थे और व्यापारी वर्ग के लोग ने ये विचार रखे हैं कि कल से हम लोग टाउन में प्रवेश द्वार पर नो एंट्री लगा दें, जो 10 बजे से लेके दिन 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक नो एंट्री रहेगा। बड़ी गाड़ियों का प्रवेश निषेध रहेगा, निषेध है जी। वैसे गाड़ी जो मालवाहक है उसका भी प्रवेश निषेध है। सर, बड़े ऐसे में सुना गया है कि सर जुर्माना भी रखा गया है, सर प्रवेश नो एंट्री का जो नियम तोड़ते हैं। देखिए, जुर्माना करने का अधिकार तो ऐसे नहीं है जन शिकायत निवारण कमेटी का, लेकिन कुछ ऐसा उसके साथ में दंड किया जाएगा कि नो एंट्री का अनुपालन किया हो सके। ठीक है सर। नगर को टेक्सपुर बैंकर साथ ही साथ राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार जुड़ रहे हैं।
आज आपको एंट्री मिली है सर समिति में, साथ ही साथ आपने कई समस्याओं को अपने आंखों से देखा है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमें प्रसन्नता हुई कि समिति के द्वारा मेरा मनोनयन एक सदस्य के रूप में हुआ। इस मीटिंग का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो झाझा की जो समस्याएं हैं उसके निदान में कमेटी सक्षम है और इस दिशा में ठोस निर्णय ले लिया है और उम्मीद है कि इससे झाझा में लॉ एंड ऑर्डर और खूबसूरती के मामले में झाझा नगर एक अव्वल रूप लेगा पूरे जिला में। थैंक यू सर। पदाधिकारी झाझा जुड़ रहे हैं सर, क्या क्या आज नियम बना है जन शिकायत निवारण समिति में? नो एंट्री के लिए, नो एंट्री सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक है और इसमें सभी बड़ी और छोटी गाड़ियों का आवागमन जो है 6 से 10 तक, ये 10 से 6 बजे तक बंद रहेगा और इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो अधिकतम 5,000 रुपये बड़ी गाड़ी के लिए और छोटी गाड़ी के लिए 2,500 रुपये का दंड का प्रावधान किया गया है। जी जी। सर, सड़कों पर अतिक्रमण की जो बात की जा रही थी कि कई जगह पर सड़कों पर लोग गिट्टी बालू वगैरह लोग फेंक दिया जाते हैं, सड़क पर ही वाहन लगा दिए, ऐसे में सर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी हाल में ही एक झाझा निवासी हैं, उनको बालू और गिट्टी के लिए नोटिस दिया गया है और उनको 24 घंटे का समय दिया गया है, आज ही दिया गया है, नहीं ये हटाते हैं तो कल या परसों फिर से उनको नोटिस दी जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। ठीक है सर। जन शिकायत निवारण समिति के सदस्य तमाम आज यहाँ न्यू टाउन हॉल झाझा में मौजूद हैं दर्शकों। जैसे कि आप जानते हैं समिति का गठन बबलू जी सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए समिति का गठन किया गया जिसमें तमाम विभिन्न मुद्दों पर यहाँ चर्चा होती है और थाना अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आप हर बार देखते हैं कि थोड़ी सी बैठक लेट से हो रही है लेकिन इस बार भी कई मुद्दों पर चर्चा होनी बाकी है, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस बार सर्किल इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह भी हैं और पूर्व बैंकर शैलेश कुमार भी आए हैं यहाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय बैस समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं। परमात्मा के विशेष कृपा से।